जंग में वेटरनरी यूनिवर्सिटी में इंस दादे कोरोना के हवाले से जिले इंतजामिया के जेर एहतमाम मॉक एक्सरसाइज का एहतमाम किया गया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल चौधरी मोहम्मद अशरफ गुजर, पाक आर्मी, पुलिस, रेंजर्स, रेस्क्यू 112 और सिविल डिफेंस समेत दीगर मुतलका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। मॉक एक्सरसाइज में कोरोना वायरस के मरीज को हस्पताल शिफ्टिंग और हस्पताल से करंटीना मरकज और दफनाने के अमल तक की फर्जी मशकें की गई। मॉक एक्सरसाइज में बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया। रुकन कौमी असम्बली गुलाम बीबी बरवाना ने इंसदादे कोरोना वायरस के हवाले से जिले इंतजामिया की जानब से किए गए इंतजाम को सराहते हुए कहा कि मॉक एक्सरसाइज करवाना वायरस के हवाले से वक्त की जरूरत है। हुकूमत ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए बरवक्त इकदाम किए हैं। हुकूमत ने मुश्किल वक्त में मौसर हिकमत अमली के तहत काफी हद तक इस पर काबू पाया है। अमेरिका, इटली और स्पेन में कोरोना ने तबाही मचा दी थी। बहसियत कौम हमें जिम्मेदारी से किरदार अदा करना होगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल चौधरी मोहम्मद अशरफ गुजर ने कहा कि जिले के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल समेत तहसील और दही मराकज में आइसोलेशन वार्ड और करंटीना मरकज कायम कर दिए गए हैं। आइसोलेशन वार्ड में आने वाले मरीजों को बेहतर सहूलियात भी फराहम की जा रही है।